नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इरशाद अली के साथ यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम। तो आज की हमारी पहली खबर है मुख्यालय से, और आज जिला मुख्यालय में चारों तरफ जिधर देखो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं नजर आ रही थी। कारण था आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का धरना प्रदर्शन, जहां सैकड़ों महिलाएं मुख्यालय को अपने सिर पर उठाकर बैठी थी। दरअसल आंगनवाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में दिनांक 2 दिसंबर 2021 से प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर अपनी जायज व लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन काम बंद, कलम बंद, हड़ताल व धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो दिनांक 15 दिसंबर 2021 से प्रदेश मुख्यालय लखनऊ पर धरना प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित था। स्थिति परिस्थिति देखते हुए प्रदेश कमेटी ने निर्णय लिया कि दिनांक 15 दिसंबर 2021 को प्रदेश भर की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों व सहायिकाएं प्रदेश मुख्यालय लखनऊ पहुंचकर अपने लंबित व जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगी। तो आइए जानते हैं उन्होंने यूपी 76 न्यूज को क्या बताया। मैं आंगनवाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन से मैं जिला अध्यक्ष मधुबाला गंगवार बोल रही हूँ। मैं आज इस परिसर में इसलिए एकत्रित हुई हूँ कि 2017 से मेरी मांगे जो दी गई थी हम लोगों को, 2017 में कहा गया था जो हम लोगों का पैसा बढ़ाया गया था 1,500, वो भी आज तक नहीं दिया गया। और आज हम इस परिसर में इसलिए एकत्रित हुए हैं कि दोबारा फिर हमारा पैसा बढ़ाया गया 1,500, लेकिन वो मोबाइल के तौर पर बढ़ाया गया, मानदेय के रूप में नहीं दिया गया। हम लोगों को एक प्रोत्साहन राशि के रूप में बढ़ाया गया, जो कि हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। मोबाइल भी काम नहीं करते हैं, और दूसरी बात 62 साल की बहनें हमारी निकाल के बाहर फेंक दी गई हैं, जिनका पिछला वेतन भी रुका हुआ, उनका मानदेय भी नहीं दिया गया, और उनको किसी तरह की कोई भी जानकारी भी नहीं दी गई, और उनको एक लेटर पकड़ा दिया गया। चौथी बात यह है कि हम लोग रात दिन काम करते हैं, शिक्षा विभाग का भी काम दिया गया और स्वास्थ्य विभाग का भी काम दिया गया, मेरी बहनों को बेलों में भी लगा दिया गया, और मेरे बाल विकास पुष्ट आहार का भी काम दिया गया। आज तक मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं सोचा है आंगनवाड़ियों के लिए, जबकि जो 60-60 हज़ार रुपये जिनको मिल रहे हैं उनका मानदेय भी पैसा भी बढ़ा रहे हैं, और उनको प्रोत्साहन राशि भी उनकी बढ़ा रहे हैं, हर मंथ उनका पैसा भी हर साल का बढ़ रहा है, वार्षिक भी आप दे रहे हैं, ऐसा क्यों हम लोगों के साथ किया गया, जबकि हम लोगों को एक यशोदा मैया का दर्जा दिया उन्होंने। नारी सशक्तिकरण, आप सभी देखते हैं रोड रोड पे हर जगह नारी सशक्तिकरण, लेकिन हम महिलाएं ही हैं, हम महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण में आपने क्या किया? आज तक योगी जी ने कभी नज़र नहीं उठाई, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। इस बेस पे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ऐसे ही जब तक बैठे रहेंगे जब तक मेरी मांगें नहीं होंगी। मेरी आंगनबाड़ी बहनों का आप 18,000 कर दीजिए, मानदेय के रूप में करिए, हमको परमानेंट करिए, और मेरी सहायिका का 9,000 करिए, मेरी जो मिनी आंगनबाड़ी है उनको मेरे बराबर स्तर पर लीजिए। दूसरी बात, जब तक आपके पास वो नहीं है, आप नहीं हम लोगों को परमानेंट कर पा रहे हैं, तब तक आप जो है हमें मतलब मानदेय के रूप में ही दें, मिनी मतलब उसी के रूप में पैसा दें, मानदेय के रूप में जब, लेकिन हम लोगों को परमानेंट करना अति आवश्यक है। जब तक हम नहीं मानेंगे, जब तक हम लोग परमानेंट नहीं हो जाएंगे, हमारा काम बंद, कलम बंद, हड़ताल इसी तरह चलती रहेगी, क्योंकि हमारी 5 साल है, 5.25 साल होने जा रही है। आज तक योगी जी ने मेरी आवाज़ को नहीं सुना। लखनऊ में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, मारे खाई, मेरी बहनें कोमा में जा जा के ख़त्म हो चुकी, लेकिन उनकी किसी तरह का उन्होंने आज तक प्रोत्साहन, तो प्रोत्साहन है केवल यही है जहां मंच पे पहुंचते हैं, मेरी यशोदा मैया, हम हजारों बच्चों को जब तक पेट में बच्चा आता है उस दिन से गर्भवती को पालते हैं, गर्भवती के बाद धात्री को पालते हैं, जब तक बड़ा बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक हम लोग पालते रहते हैं। क्या हम अपने बच्चों को हम यशोदा मैया ना बन के क्या डाइन मैया बन जाएं, अपने बच्चों को खा जाएं? हम अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहे हैं, अपने बच्चों को रोटी नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ा नहीं सकते, क्या है इन बहनों का भविष्य? कोई भविष्य नहीं है हमारा, क्यों करेंगे ऐसा? इससे तो हम एक कटोरा लेके भीख मांग लेंगे तब भी मुझे मिल जाएगा, छोटी सी परचून की दुकान रख लेंगे उससे भी पेट भर लेंगे, क्यों रात दिन मरेंगे इसमें?
यशोदा मैया बनने से ही काम नहीं चलेगा मेरा, क्यों जब तक पेट नहीं भरेगा। कन्हैया जी ने भी कहा था, भूखे वजन लोहे को पाला, जेले अपनी कंठी माला। तो वही आज दिन है, हम ये कंठी माला सब छोड़ देंगे। मोबाइल ये मेरे लिए गले का एक हार पहनाया गया जो मेरी हर बहन की लोकेशन दे रहा है, इसमें किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। किस क्वालिटी के ये मोबाइल आप लोगों को? सैमसंग कंपनी का मोबाइल तो है, सैमसंग कंपनी का मोबाइल तो है। सुविधाएं पूरी बंद किए बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था जिसपे जितना काम जाएगा उतना प्रोत्साहन, उतना ही प्रोत्साहन राशि मैं अपनी बहनों को दूंगा, लेकिन जब काम ही नहीं जाएगा तो प्रोत्साहन। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है आपके मोबाइल में? इसमें हर प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम है। क्या आपको मोबाइल देने से पहले प्रशिक्षण दिया गया था? नहीं, बाद में दिया गया। OTP इसकी, सबसे पहले इसकी OTP खत्म की जाए, दूसरी बात इसका WhatsApp खोला जाए, तीसरी बात इसका जो YouTube बंद है वो भी खोला जाए। केवल इसमें नंबर सेव नहीं कर सकते हैं आप, ये केवल लोकेशन है कि हम इस समय यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं, लोकेशन रखिए, नहीं हटाओ, मेरी बात सुनो, लेकिन ये खोलिए आप पूरा। जब हम कोई काम, मैं अपने मोबाइल से वर्क करती हूँ, मैं आपके मोबाइल में सब जा रहा है, तो हम उसमें भी 200-250 का रिचार्ज कराएं, इसमें भी कराएं। आज तक मुझे रिचार्ज का पैसा भी नहीं दिया गया, सिम दी जाए इसकी, हम सिम का अपनी यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा योगी आदित्यनाथ माननी जी से यही कहना है, जब तक वो मेरी मांगे पूरी नहीं करेंगे, हम ये धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से लखनऊ तक नहीं, अपनी बहनों से कह देंगे पेट पे हाथ रख लो और फेंक दो सब ये। जब हम ये रोटी इतनी खा रहे हैं तो वैसी भी इतनी हमें मिली जाए, जुमलेबाजी नहीं चले। तो आइए अब हम आपको बताते हैं UP76 न्यूज प्राइम टाइम की दूसरी खबर। सोनी पत्नी मुन्नालाल निवासी लाल दरवाजा ये बीते 3 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही है, परंतु इन्हें अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है, जिसके बाद इन्होंने जिलाधिकारी से गुहार लगाई और UP76 न्यूज को बताया। आपके पति का नाम मुन्नालाल, रहने वाली रामलीला मैदान। अभी आप जिलाधिकारी मिलने के लिए आई है? जिलाधिकारी से मिलने के लिए आई हैं आप? हाँ। क्या मामला है जो आप डीएम साहब से मिलने के लिए आई? मामला क्या? कॉलोनी नहीं आ रही, आपने फॉर्म भरा था क्या? हाँ, भरो तो। फिर भी नहीं आई? नेट पे चढ़ी है हमारी, नेट पे चढ़ी है। आइए अब सुनते हैं UP76 न्यूज प्राइम टाइम की तीसरी खबर। ये भी जिला मुख्यालय से ही है और ये खबर है बबली की, जो थाना राजेपुर के ग्राम गांडी की निवासिनी है। इन्होंने जिलाधीश को शपथ पत्र दिया और बताया कि उनके पति सोनू सिंह धीरे धीरे सारी जमीन बेच रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में इन्हें व इनके बच्चों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जिलाधीश से गुहार लगाई कि इनके पति द्वारा इनकी भूमि ना बिक पाए और UP76 न्यूज को बताया। क्या नाम है आपका? क्या मामला है, किस बात को लेकर जिलाधिकारी के पास मिलने आए? खेत मेरा बेच रहे हैं, 50,000 रुपए का पूरा खेत लिखा रहे हैं सब लोग। मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं क्या क्या खाऊंगा। अच्छा, आपके पति नहीं है? पति हैं भैया, बस सब खेत बेच ले। अच्छा, सब खेत बेच लिया। कहाँ का मामला है? गंधिया का। ये कौन सा थाना लगता है? ये राजेपुर लगता है। अच्छा, खेत ये बेच कौन रहा है? ये मेरे घर वाले, मेरे पति। अच्छा, और कौन कौन है? और कोई नहीं है, मतलब 2,000 रुपये का सब खेत सब लोग लिखा लेते हैं। 2 बीघा बेच भी लिया, 2 बीघा रहे। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं भैया। अच्छा, घर की तरफ नहीं देखते, मतलब नहीं, जगह का बेच रहे हैं? नहीं देखते, अभी काम भी नहीं कुछ करते, मेरे घर में भी नहीं रहने देते, बहुत परेशान है। तो आइए और अब सुने UP76 न्यूज प्राइम टाइम की चौथी खबर, और ये खबर है शिक्षा विभाग की। विकास खंड राजेपुर के ग्राम गोपालपुर में संबिलियन विद्यालय है, जहां पर बीते दिनों उपस्थिति रजिस्टर फाड़ दिया गया, जिसमें प्रधानाचार्य के फर्जी उपस्थित दर्शाई गई थी। उन्हीं हस्ताक्षरों का विरोध करने पर उपस्थिति दर्शाए जाने के संबंध में आशुतोष द्विवेदी शिक्षा मित्र और पूनम अग्निहोत्री शिक्षा मित्र ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। तो पहले सुनते हैं कि शिक्षा मित्र ने क्या कहा और उसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या बोले। जीते साहब हमारे यहाँ गए हुए थे, हम मौके मिले थे, लेकिन उसमें जो है उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हेडमास्टर रवि वर्मा द्वारा पेज फाड़ दिया गया था। रीना पांडे आ नहीं रही थी, 1 महीने से फर्जी हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने पेज फाड़ दिया। हमने हमसे दबाव बनाते रहे कि जो है साइन कर लो, साइन कर लो, हम लोगों ने साइन नहीं किए।
हमने मामला जो है बी एस ए साहब को बताने को कहा, तब तक बी एस ए साहब पहुँच गए। बी एस ए साहब को पता नहीं गुमराह किया गया या क्या कहा गया उनसे, उन्होंने हमारी कोई बात ही नहीं सुनी वहाँ पे। इसी वजह से हमने यहाँ चल के आए, हमने बी एस ए साहब को पूरी बात बताएंगे। और जो मेरा ओरिजिनल जो पेज फाड़ा गया था उससे पहले जो रजिस्टर था वो बी आर सी पेज पर तो उसकी जमा हुई थी, वहीं से हम निकलवा के लाए। अगर ये साच ना होता तो पता नहीं बी एस ए साहब क्या करते क्या नहीं करते। प्राथमिक विद्यालय का मामला है, क्या मामला है? उच्च विद्यालय यहाँ पे निरीक्षण हुआ था 10 तारीख को। तो 10 तारीख को निरीक्षण में पाया गया कि दो शिक्षा मित्र आशुतोष पांडे और पूनम अग्निहोत्री दोनों 18 नवंबर से अनुपस्थित हैं। तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा गया। पूनम का कहना है कि रजिस्टर फाड़ा गया है, तो दो सदस्यीय कमेटी बना दी गई जाँच करके। थैंक यू सर। ओके, तो आइए अब सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की पांचवी व अंतिम खबर। ये खबर भी मुख्यालय से ही है और खबर है नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल फ्रंट के राष्ट्रीय महासचिव योगेंद्र यादव की। इन्होंने जिलाधीश को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि गौ सदन कटरी धर्मपुर में कार्यरत गौ सेवकों को 4 माह से वेतन नहीं मिला है। 8 लोग गौ सदन में गौ सेवकों पर कार्यरत हैं। वेतन न मिलने के कारण जीवनचर्या अस्त व्यस्त है। गौ सेवक चौक पर जाकर मजदूरी करने की कगार पर हैं, जिनको लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया और जिसके बाद खुलेआम भाजपा सरकार को सीधे मुख्यालय से चेतावनी दी। और मैं योगेंद्र यादव, महासचिव एनडीपीएफ। अच्छा, किस बात को लेकर आज जिलाधिकारी के पास मिलने आए थे? दरअसल एक लंबे समय से, पिछले 4 महीने से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में गौ सदन कटरी धर्मपुर के मजदूरों की 4 महीने की मजदूरी बकाया है। इस सवाल को लेकर के हम लोग कलेक्टर, सीडीओ, एडीएम से लेकर के वीडियो बरपुर तक लगातार हम लोगों ने लिखित रूप में दिया और रिक्वेस्ट किया कि मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करवाया जाए। लेकिन जब 4 महीने बीत गए और मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ और हमें लगा कि इस वर्ष का अंतिम महीना है दिसंबर, फिर लोग भूल जाएंगे कि आपकी मजदूरी बकाया थी तो आप लोगों ने अपनी बात क्यों नहीं की। इसलिए हम लोग आज अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत कर रहे हैं और ये लगातार धरना तब तक चलेगा जब तक मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं हो जाता है, मजदूरों को आम आदमी जैसा दर्जा नहीं मिल जाता है, उनको एक सम्मानजनक ज़िंदगी नहीं मिल जाती है, तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। ये आंदोलन की शुरुआत ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से हम लोगों ने दिल्ली में किसानों के सवाल पर 380 दिन एक लंबे आंदोलन को संचालित किया, हमने दिल्ली में, लखनऊ में, लखीमपुर में जगह जगह हमने मोर्चे खोले हैं। हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं, आज फर्रुखाबाद में यह शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में यह शुरुआत आगे बढ़ेगी। ये आप लखनऊ में भी आंदोलनों की श्रृंखलाओं को देखेंगे, आप दिल्ली में भी आंदोलनों की श्रृंखलाओं को देखेंगे और जो भी मजदूर संगठन है, हमने मजदूर संगठनों से बात की। भुगतान नहीं मिला है तो ये लोग अपने घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं? दरअसल ये लोग लेबर चौक पे जाने लगे हैं, लेबर चौक पे जाके मजदूरी करते हैं, तब जा कर के अपने बच्चों को रोटी खिला पाते हैं। क्या किसी सरकार को इतना निकम्मा और नकारा होना चाहिए कि उसके मजदूर 4-4 महीने का वेतन बकाया रह जाए और फिर वे चौक पे खड़े होकर मजदूरी करें? ये बहुत शर्मनाक बात है भाजपा सरकार के लिए और हम चाहते हैं कि भाजपा सरकार को अपने अफसरों पर, अफसरशाही पर रोक लगाना चाहिए ताकि आम आदमी जो मजदूर हैं उनकी आवाज़ को सुना जाए और कम से कम उनकी मजदूरी को समय से भुगतान हो सके। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज। हम जल्द लौटेंगे दूसरी खबर के साथ और जुड़े रहिए यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम के साथ। और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।